Hello friends and my dear student, today we are learn English subject, chapter number 6, part 2, in a class of their own. Second part का जो हमने passage पढ़ा उससे संबंधित English workshop आज हमें करना है, तो की शुरुआत इस प्रकार से होती है. पहला प्रश्न है, फर्स्ट वन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रांसलेट देम इनटू योर मदर टंग. नीचे दो जो पैसेज दिए गए या वाक्य दिए गए हैं, उपवाक्य दिए गए हैं, उनको अपनी मातृभाषा में बदल कर लिखना है. वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस, हमें उनका गर्व बन के दिखाना है. We will make it possible. हम उसको संभव बना के दिखाएंगे. See what I mean. This will not do. Something is at work in this class. I am sure she was all smiles. Many of us did do well. I have let the whole class down. That's a quite a leap. सेकेंड वन, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स. डायलॉग्स लिखना है. यहाँ आपको तीन विषय दिए गए हैं. अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर स्टडीज, दो मित्र अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा डायलॉग्स, कन्वर्सेशन. बी, अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट अबाउट स्टडीज, टीचर और स्टूडेंट के बीच पढ़ाई से संबंधित बात हो रही है. सी, अ डायलॉग बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड अबाउट स्टडीज, एक संवाद जो कि माता पिता और उसके के बच्चे आपस में पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट रूल्स अबाउट यू लाइक टू मेक योर सेल्फ योर क्लास, कौन से नियमों होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए जो तुम पसंद करते हो अपने बारे में और अपनी क्लास के बारे में. ए, योर सेल्फ एंड योर क्लास. फोर्थ वन इज, प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर फ्रेंड विशिंग हिम हर द बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट इन एन एग्जामिनेशन. एक विशिंग कार्ड तैयार करना है अपने मित्र के लिए और उसे एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क मिले, उसका एग्जामिनेशन अच्छा हो, इसके संबंध में. सिक्स वन इज एक्टिविटी फाइव. फिफ्थ वन, फाइंड एंड राइट थ्री एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस फ्रॉम द स्टोरी. इस स्टोरी में तीन ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को बताने वाले हैं. थ्री एग्जाम्पल्स, ओनली थ्री एग्जाम्पल्स. सिक्स वन, ये एक्टिविटी है लाइव इंग्लिश. इंग्लिश इज नॉट समथिंग दैट यू सी ओनली इन योर टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम. वी यूज इंग्लिश फॉर मेनी पर्पजेस इन आवर डे टू डे लाइफ. समटाइम्स वी हैव टू फिल इन फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस इन इंग्लिश. हेयर इज अ स्पेसिमेन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लाइब्रेरी मेम्बरशिप. कैन यू फिल इट ऑन योर ओन. नोट दैट इन द फ्रेस लाइव इंग्लिश इन द वर्ड लाइव राइम्स विथ फाइव. अप्लीकेशन इस प्रकार के, हम अपने दैनिक जीवन में भी केवल हमको पढ़ाई करना है इसके लिए इंग्लिश नहीं जानना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में भी अंग्रेजी का बहुत उपयोग होता है. कहीं जाना है, एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है, रेलवेज़ की टिकट निकालना है, फॉर्म लेना है, और आजकल तो बहुत सारी जानकारियां हमें इंग्लिश
लैंग्वेज में ही प्राप्त होती हैं। मोबाइल से संबंधित जितनी भी मैसेजेस हैं आते हैं और ईमेल्स वगैरह हैं, वो सब इंग्लिश में ही रहते हैं। बहुत सारी बातें हमें इंग्लिश में ही मिलती हैं, तो इसलिए उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए। नेम इन ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है अपना नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम। लास्ट नेम का मतलब होता है सरनेम से है, सरनेम जैसे कोई यादव हो, कुलकर्णी हो, सिंह हो, जाधव हो, तो वहाँ पे लिखा जाएगा सरनेम। फर्स्ट नेम में अपना नाम, मिडिल नेम में अपने पिताजी का नाम। क्लास, अपनी क्लास सेवेंथ है। डिवीज़न, जो भी डिवीज़न हो, ए बी सी डी, जो भी डिवीज़न हो वहाँ डिवीज़न लिखना है। रोल नंबर क्या है तुम्हारा, अपना रोल नंबर लिखो। डेट ऑफ बर्थ डी डी, माने डी डी में डेट, जैसे 5 तारीख है तो 05 लिखना है, 15 है तो 15 लिखना है, 15 लिखना है तो 15, और 5 लिखना है तो 05। उसी तरह मंथ के लिए, अगर तुम्हारा जन्म अक्टूबर में हुआ है तो 10, और जनवरी में हुआ है तो 01, ऐसे लिखना है। और ईयर, ईयर जो है 4 डिजिट में लिखना है, 2003 अगर लिखना है तो 2003, 2007 लिखना है 2007, इस तरह से लिखना है। जेंडर, मेल यानी बॉयज़ हैं तो मेल में टिक करेंगे सही का, गर्ल्स हैं तो फीमेल में सही करेंगी, टिक मार्क करेंगी। एड्रेस, योर एड्रेस, तुम जहाँ पे रहते हो, अपना रूम नंबर, चाल नंबर, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का नंबर है तो बिल्डिंग का नंबर, कौन सा एरिया है, किस एरिया में रहते हो, फिर उससे बड़ा जो एरिया है पोस्ट ऑफिस, और बाद में पिन कोड। नेम ऑफ गार्जियन, गार्जियन में तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं, तुम्हारे चाचा भी हो सकते हैं, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, जो जिसके साथ तुम रहते हो, जिसके साथ रह के पढ़ाई करते हो। बहुत से बच्चे अपने नानी के यहाँ रहते रह कर पढ़ाई करते हैं, उनके नानी नाना उनके गार्जियन हो गए, और ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो वहाँ पिताजी का नाम लिखो और एड्रेस लिखो, वही एड्रेस जो तुम्हारा एड्रेस लिखे हो वही तुम्हारे गार्जियन का एड्रेस। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर अब नहीं है तो मोबाइल नंबर वहाँ लिख देना है। ईमेल, ईमेल तुम लोग बनाओ, अपना ईमेल जाके खुद से नेट पे जाके अपना एक ईमेल तैयार करो और अपना ईमेल लिखो। प्लीज़ रीड द लाइब्रेरी रूल्स केयरफुली ऑन द बैक ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के पीछे लाइब्रेरी के जो रूल्स हैं वो लिखे गए हैं, और उसे ध्यान से पढ़ो। आई हैव रीड द लाइब्रेरी रूल्स केयरफुली एंड विल फॉलो देम, लिखा है कि मैंने लाइब्रेरी का जो नियम है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं उसका पालन करूँगा या करूँगी। आज की डेट, जिस तारीख में फॉर्म भरा जाएगा उस डेट, वो डेट, स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेंगे, मेंबरशिप फीस, न्यू मेंबर के लिए हाफ ईयरली में 50 रुपये और ईयरली के लिए 100 रुपये, और कोई पुराना मेंबर है और उसको रिन्यूअल करना है तो 35 रुपये हाफ ईयरली के लिए और 70 रुपये ईयरली का उसका फीस है, तो उसको टिक कर देना है। यूज़र आईडी ये ऑफिस वाले करेंगे, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, और लास्ट में जो लाइब्रेरियन होगा वहाँ पे वो उसकी साइन करेगा। फ्रेम रूल्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर डिस्कसिंग देम इन द क्लास, लाइब्रेरी के लिए क्या रूल्स होना चाहिए अपनी क्लास में बहस करो, डिस्कस करो, और एक रूल्स बनाओ लाइब्रेरी के लिए स्टडी। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।